यूपी सिटी न्यूज। सीएम योगी ने अपने तूफानी दौरे में रामपुर को भी शामिल किया। रामपुर में जब वह बोल रहे थे तो उनके निशाने पर मुख्य रूप से आजम खान रहे। सीएम योगी ने कहा कि रामपुर की विरासत को नष्ट किया गया, जमीनों को हड़पने के लिए भू माफियों को संरक्षण दिया गया, लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने 147 भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की और 140 हेक्टेयर जमीन को मुक्त करा लिया। हम रामपुर की विरासत को सहेज कर रखेंगे। सीएम ने रामपुर में 64 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जब मुजफ्फरनगर में दो निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है कि चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। ये आपकी एकता की ताकत है और आप किस एकता की ताकत का एहसास कराने के लिए आए हैं। आपने 2014 में मोदी जी पर विश्वास किया, मोदी जी ने देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।